सब्सक्राइब करूँ ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपे। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपन को स्वागत। तो आज विशेष वीडियो आम जानवा कि अजाणत होता पापर प्रायश्चित किपर करवा। आम समस्त मन में यही प्रश्न केबे ना केबे निश्चिंत आसी थाए कि आम द्वारा अजाणत जदि कौन पापकर्म होता तो कौन से ही पापर मुक्ति पाइबार कौन उपाय रही। श्रीमद भागवत षष्ठ स्कंदरे महाराज परीक्षित भी श्री सुखदेव को यही प्रश्न करते और से पचारे कि पाप आम द्वारा अजाणत हो जाए थाए जपर चलवा समय पिंपुड़ी किंवा किसी जीव पाद तले चापी हो मरी जाती आम निश्वास ने समय केतक जीव मरी जाती भोजन प्रस्तुत समय अग्निर व्यवहार करता ओ से बहुत जीव मरी जाती एपरी बहुत प्रकार पाप रही जहाँ अजाणत हो जाए थाए कौन से मुक्ति पाइबार कौन से उपाय आम मानी रही। तो आचार्य सुखदेवजी कहते राजन एपरी पापर मुक्ति पाइबापी प्रतिदिन पांचटी प्रकार यज्ञ करने आवश्यक। परीक्षित कहले भगवान गोटे यज्ञ जदि केवे पड़ थाए तो चिंता करने को पड़ता है आपण तो पांचटी यज्ञ ताहा भी प्रतिदिन करने को पड़ो यह किपरि संभव अटे। सुखदेवजी कहते राजन यह एपरी किसी बड़धरण यज्ञ नुहे। प्रथम हो जेबे गृह रुटी प्रस्तुत हुए तो प्रथम रुटी आपण गाय को खावाक दिंतु से अलग कर काढ़ी दिंतु। द्वितीय यज्ञ यह कि पिंपुड़ी मान कौन एक वृक्ष मूल दस ग्राम अर्थ अल्प किसी अटा प्रतिदिन खावाक दिंतु। तृतीय यज्ञ टी किसी यही प्रकार अटे कि कौन सी भी पक्षी मान प्रतिदिन किसी ना कि खावाक दिंतु। चतुर्थ यज्ञ टी अटार गोली कर प्रतिदिन जलाशय मस मान खावाक दिंतु और पंचम यज्ञ टी अटे कि भोजन प्रस्तुत करने अग्नि को भोजन अर्थात भोजन प्रस्तुत पर किसी अल्प खाद्य घी और चीनी मिसाई अग्नि को भोग लगातु और पुणी से ही सबर पुण्य पाइबापी सर्वदा ध्यान रखत कि अतिथि सत्कार अवश्य करूँ कौन भी भिकारी किंवा आवश्यक व्यक्ति को भोजन करातु। यही नियमर पालन करने द्वारा अजाणत होता पापर मुक्ति मिलता है से ही पाप मान दोष लग न थाए और से ही पापर फल आमको भोगवाक पड़ न था। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा करुच्ची कि भिडियोटी निश्चित रूप आपको भल लगे जदि भल लगी तो प्लीज ये भिडियोटी को लाइक टी अवश्य करूँ और भिडियोटी आप फ्रेंड्स संगे अधिक सेयार करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना। धन्यवाद।